नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉग के लिए होस्टिंग और डोमेन कैसे खरीद सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मेरा पहला प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर आप लोग इसको पसंद करेंगे तो ही मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगा। मेरा कोशिश रहता है कि आपको आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में ब्लॉगिंग की सही जानकारी दे सकूँ। इसी के लिए जो भी छोटे से छोटे और अच्छी से अच्छी टॉपिक होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा मेन कंसंट्रेशन नए ब्लॉगर को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज जो हम जिस होस्टिंग की बात करेंगे वो हम बात करेंगे होस्टिंगर की। होस्टिंगर एक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है। अगर आप एक मीडियम लेवल वेबसाइट की बात करें या फिर एक हाई क्लास ब्लॉग की बात करें, दोनों के लिए ये जो होस्टिंगर जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। एक तो इसका अप टाइम बहुत ही ज़्यादा है। अप टाइम इन द सेंस कि आपका वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं होगा। आप इतना जान लो 99.5% इसका अप टाइम है, जो कि एक बहुत ही अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर की निशानी है। बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो कि बहुत कम प्राइस में आपको होस्टिंग देने का वादा करती है, लेकिन उनका अगर आप अपटाइम देखेंगे तो बहुत ही कम होता है। तो इसी के लिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप पहली बार ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको होस्टिंगर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये सबसे इजी भी है और दूसरा ये सबसे सस्ता भी है और तीसरा इसका जो फीचर्स है, जो भी एडिशनल जो फीचर्स ये प्रोवाइड करता है वैसा आपको अदर होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनियाँ नहीं करती है। चलिए हम सारा चीज़ डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले इसका प्लान देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्लान है। तो बेसिकली इसका प्लान जो है प्रीमियम प्लान, बिजनेस प्लान और क्लाउड स्टार्टअप। तो ये क्लाउड स्टार्टअप जो ये बेसिकली ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए है। जब कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बनती है ये उनके लिए प्लान है, तो आपको इसको अभी नहीं देखना है। आपको मेनली देखना है प्रीमियम और बिजनेस। देखिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि ये आप अगर ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें आप 149 वाले में चले जाइए। इसमें आपको 100 वेबसाइट का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहां से डोमेन लेते हैं तो आपको इसमें आप 100 सब डोमेन का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि ₹149 में आप 100 ब्लॉग या 100 वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं ₹149 पर मंथ में। इसका एक और प्लान भी है, और भी प्लान अगर हम देखेंगे, जैसे हम होस्टिंग में जाते हैं और यहाँ पर अगर हम और प्लान देखेंगे तो हमें और भी प्लान दिखाई देगा। जहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे हम चूज होस्टिंग प्लान पे क्लिक करते हैं, तो इसमें हमारे पास में एक छोटा वाला प्लान भी है, सिंगल प्लान। ये ₹69 का भी ये प्लान है। इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें सिर्फ आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। आगे चल के आपका वेबसाइट हिट कर गया, आप अगला वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। सब डोमेन का भी यूज आप इस वेबसाइट में नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल वेबसाइट, सिंगल होस्टिंग वेबसाइट है। तो ये वाला प्लान इसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक ब्लॉग अगर बनाना है तो ही आपको ये वाला प्लान लेने का ज़रूरत होगा। आप अपने क्लाइंट्स के लिए अगर वेबसाइट बनाते हैं तो आप इस प्लान को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स को एक ही वेबसाइट दोगे। लेकिन अगर आप अपने लिए वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि प्रीमियम प्लान लीजिए। इसमें आपको ₹149 में 3 महीने फ्री भी मिलेंगे। आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। अब हम करेंगे सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन पे ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आपने पहले से परचेज किया होगा तो वो यहाँ पे आएगा। अगर आपके पास परचेज नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे चूज होस्टिंग प्लान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास सारा प्लान आ जाएगा, जो भी प्लान आपको परचेज करना है उस पर आप जा करके यहाँ पे सी ऑल फीचर पे क्लिक करेंगे। जो भी प्लान आपको परचेज करना है उस पर आप जा करके आप देखेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जाने के बाद में जो भी प्लान है, 149 वाला ये प्लान आपको लेना है, इसको सारा कुछ डिटेल देखने के बाद में ऐड टू कार्ट कीजिए। ऐड टू कार्ट करने के बाद में ये डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट करेगा अलग पेज पर। अब ये होस्टिंगर के अलग पेज पर ये आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल है, अब ये पीरियड आपको लेना है कि एक मंथ के लिए लेना चाहते हैं, एक साल के लिए लेना चाहते हैं, 24 मंथ के लिए लेना चाहते हैं या 148 मंथ के लिए लेना चाहते हैं। सभी का प्राइस आपको थोड़ा सा डिफर दिखेगा। ₹149 जो आपको दिखाई दे रहा था ये बेसिकली 48 मंथ का प्राइस था।
तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान ले सकते हैं। जैसे अगर आप 12 मंथ का प्लान ले सकते हैं, आप 24 मंथ का प्लान ले सकते हैं, जो भी आपको प्लान लेना है अपने अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। जो भी प्लान लेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें चार्ज देना पड़ेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे अगर 24 मंथ का लेता हूँ तो ये हमारा 9840 का प्लान बनता है आपका। 24 मंथ का प्लान आपका ये अगर आप देखेंगे 4296 रुपये में आपको डिस्काउंट के बाद में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसमें आपको एक डोमेन मिलेगा, आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन सारा कुछ इसमें आपको फ्री मिलेगा। इसमें आपको जो डेवलपमेंट के लिए जो टूल्स होता है, जो एआई के थ्रू आपका वेबसाइट फ्री में क्रिएट करता है, वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें फ्री मिलेंगी। अब आपको ये परचेज करने के लिए आपने यहाँ से चूज किया, आप देख रहे हैं ये 24 मंथ का प्लान है, 179 रुपीज़ के हिसाब से आपको पे करना पड़ रहा है 4296 रुपये दो साल के लिए। और अगर आप ये 3 साल के लिए लेते हैं तो 3 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो ये 7152 रुपये का पड़ता है। तो जो भी प्लान आप चूज करना चाहते हैं यहाँ से आप चूज करेंगे, और यहाँ से पेमेंट करने के बाद में आप यहाँ पे UPI का पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। आप जैसे ही करेंगे, जैसे गूगल पे आपने लिया, आप यहाँ से पेमेंट के लिए आपने डिटेल डाला और यहाँ पे सबमिट एंड सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा आप होस्टिंगर के अंदर में चले जाएंगे। मैंने होस्टिंगर का अकाउंट ले रखा है, मैं अपना लॉगिन से लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरा होस्टिंगर का लॉगिन है। इसी तरीके से जैसे ही आप उसको परचेज करेंगे होस्टिंगर को, आप भी इसी लॉगिन पे पहुंचेंगे। इस लॉगिन पे पहुंचने के बाद में आप यहाँ पे आपको डोमेन परचेज करना है। अब डोमेन कैसे परचेज करेंगे, जहाँ पे जो भी डोमेन है मेरा, अगर मैंने परचेज किया होता तो यहाँ पे आपको भी दिखाई देगा जो भी आप डोमेन परचेज किए होंगे। नए डोमेन लेने के लिए आप डोमेन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करके आप एक नया डोमेन खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप डोमेन का नाम डालेंगे, सपोज मैं एक डोमेन क्रिकेट ब्लॉग बनाने वाला हूँ, मैं उसका एक डोमेन का नाम डालता हूँ, क्रिकेट iOS सर्च करता हूँ। जैसे ही मैं सर्च करूँगा हमारे पास में जो भी ऑप्शन होगा क्रिकेट का के रिलेटेड ब्लॉग का, वो सारा हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब जो भी ऑप्शन आएगा, पहली बार आप जब डोमेन खरीदने जाएंगे, अगर आपने मेरे लिंक से जो होस्टिंग परचेज किया है तो आपको डोमेन फ्री मिलेगा। ये 729 का जो डोमेन है वो आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेगा जब आप मेरे वाले लिंक से परचेज करोगे। तो इस तरीके से जब आप वेबसाइट बनाने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको होस्टिंग बाहर जैसे जिस तरीके से मैंने बताया वैसे परचेज करना है। यहाँ पे आपको लेकर के यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपसे ये पूछेगा कि बिलिंग पीरियड क्या रखना है। और बिलिंग पीरियड यानी कि आपको कितने साल के लिए डोमेन परचेज करना है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कोई भी डोमेन का नाम लेता हूँ, मुझे कोई अगर डोमेन खरीदना है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई भी नाम डोमेन का नाम, और जैसे मेरे पास कोई भी डोमेन आता है, ये 3309 रुपये का डोमेन आ रहा है। अगर मुझे कोई दूसरा भी डोमेन लेना होता है, जैसे ये chandanja.net लेना है, इसे लेना है, तो मैं बाय डोमेन पे खरीदूंगा। यहाँ पे मुझे 1 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए लेना है, 3 साल के लिए लेना है, मैं यहाँ पे प्राइस डिसाइड करके और यहाँ से मैं इसको परचेज कर सकता हूँ। चूज पेमेंट मेथड, यहाँ से मैं पेमेंट मेथड ले लूँगा, और जैसे पेमेंट मेथड लूँगा मैं यहाँ पे चूज करके जो भी पेमेंट मेथड होगा मैं उसे चूज करके अपना जो होस्ट डोमेन है वो मैं परचेज कर लूँगा। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेज कर सकते हैं। एक बार जब आपके वेबसाइट पर डोमेन और होस्टिंग परचेज हो जाएगा उसके बाद फिर आप अपने ब्लॉग का सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको अपने ब्लॉग के लिए डोमेन और होस्टिंग परचेज करना है। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, रियली।